फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, राहुल गांधी का गणित सुनकर चकराया लोगों का सिर। कर दी पप्पू गिरी, प्रियंका बोली राम को 13 साल का वनवास। क्या क्या बोले ये, मतलब दोनों भाई बहन दोनों ने कुछ पंगे कर दिए ऐसा लगता है। पहले तो राहुल गांधी की गणित भी सुननी पड़ेगी। चलो मजा आएगा, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का महा मैथमेटिक्स ज्ञान और इसके बाद प्रियंका गांधी का रामायण ज्ञान सोशल मीडिया पर दोनों के ज्ञान सुनो होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपका भी सिर चकरा जाएगा और आप भी सवाल पूछने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस को कई मामलों को लेकर जमकर जो है घेरते हुए भी वो नजर आए। जमकर कई मामलों पर जो है उन पर प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने दी और राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के वायरल हो रहे वीडियो की और इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की भी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जरा उस वीडियो की झलक जो है आप देखिए। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? हमें क्या पता कितना, 0.01। अच्छा, मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं, ना 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी है? अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? जैसे कि आपने साफ क्या बोला, मैं तो समझ नहीं आई। 10 पैसे का निकालना था, फ्रैक्शन गलत निकाल दिया। कहते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं जो सारी कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं, तो उसके बाद कैलकुलेशन में कहते हैं कि जो लाभ है, जो फैसले हैं, जो डिसीजन है, वो डिसीजन वगैरह जो है कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कितना मौका मिलता है डिसीजन लेने के लिए, 0.01 बोला। बताते हैं 100 में से कितना मिलता है, 0.01 बोला था ना, बताते हैं कि 1/100 हुआ, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, फिर वापस उसको करेक्ट करके बोलते हैं 0.01। और बोलते हैं कि आखिर कितना हुआ बताइए, यानी 100 में से 10%। हाँ, 10 कैसे हुआ, एक हुआ 1 रुपया नजर आते हैं, लेकिन जबकि आप 0 और उसके बाद डेसिमल 0.01 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो है 100 से, तो वहां पर जो आंकड़ा निकलेगा राहुल गांधी के हिसाब से वो 10 निकलेगा। और 10 बताते हुए वो 5 उंगलियां भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मैथमेटिक्स समझाने का लेवल है उस लेवल को कोई पार नहीं कर सकता। इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद लोग जो है राहुल गांधी 10 पैसा बोला उसने, 1 रुपया होना चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कैलकुलेशन को सुनकर आपका भी दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। राहुल गांधी ऐसी बातें नहीं बोल सकते। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आदिवासियों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, वो भी अपनी बातों से। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि अगर आप इनसे पूछिए ये नंबर जो है ये क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राहुल गांधी से ही खुश है, क्योंकि राहुल गांधी से उनको जिताने का जो क्रेडिट है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, पता नहीं क्या बोला, बढ़िया तरीके से चीजें की, 10 रुपए भी नहीं हो सकता, 10 पैसे भी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री देश के बनना चाहते हैं और इनका मैथमेटिक्स का ज्ञान इतना उच्च लेवल का है जिसको लेकर बात नहीं की जाती। और दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आप कह सकते हैं जनसभा को संबोधित कर रही है और इस दौरान उनका कहना है कि भगवान श्री राम 13 वर्षों के लिए जो है वो जंगल में रहे, तो जो वनवास था उसको उन्होंने वनवास बना दिया। वनवास तो ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि 13 वर्षों के लिए, तो ये आप देखिए लोग कह रहे हैं जो चुनावी हिंदू हैं उनको देखकर ये पता चल जाता है कि वो चुनावी हिंदू है या असल हिंदू है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है जिसने लिखा है शहजाद पुणे वाले ने, उन्हें कहा है कि एक मुस्लिम को भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, ये चुनावी हिंदू जो है वाड्रा फैमिली है, क्योंकि सभी को पता है कि वनवास जो है वो 13 सालों का नहीं बल्कि 14 साल के लिए गए थे और वो वनवास था, वनवास नहीं था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं पता है।
प्रियंका गांधी के हिसाब से भगवान राम जो है जंगल में गए थे 14 सालों के लिए, लेकिन इसके बाद जो की 13 सालों के लिए उन्होंने कहा, तो इसके बाद भी अगर उनसे कहानी पूछी जाए तो उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता है। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जरा सुन लीजिए इस पर। लोग इस मामले को लेकर राहुल की बहन प्रियंका का रामायण ज्ञान जो है उसका लोग मीम बना रहे हैं और मीम बनाकर इसे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं चुनावी उनसे दूरी बनाए रखने का काम करें। इसी तरीके से लोग जो है प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं सिर्फ चुनाव आते ही ये हिंदू बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक साल प्रभु श्री राम स्वयं इनके परिवार का दिमाग जो खो गया था उसे खोजने में शायद बिता रहे थे। उसके बाद और एक और व्यक्ति ने लिखा कि चुनावी हिंदू है, ये बात जो है बिल्कुल इनके द्वारा सही कर जा रही है। याद आती है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भाई और बहन का जोड़ा है ये सबसे ज्यादा मजेदार जोड़ा है, क्योंकि इसी तरीके की बयानबाजी करता है और इनके जो दिमाग का लेवल है वो लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो लोग कुछ लोग दोनों का इस तरीके से, एक तरफ राहुल गांधी की वीडियो को लेकर उनकी फजीहत हो रही है, उनके मैथमेटिक्स सुनकर लोगों का सिर चकरा रहा, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का रामायण ज्ञान लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। और इन सबके बीच अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खांडवा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बहुत आप कह सकते हैं जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी रामलला के मंदिर नहीं गए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और उनके परिवार के बयानों से भी पता चलता है। बिस्वा ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, वहां पर जाकर छिप छिप कर जाते हैं, वहां मंदिर जाते हैं जहां बाबर के लोगों को कंप्लेंट ना हो। राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएंगे, इसीलिए डर के मारे वो राम मंदिर नहीं जाते हैं। और क्या कुछ कहा हिमंत बिस्वा शर्मा ने जरा सुन लीजिए। क्या राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? आपने देखा है? गया है, वो जा रहा है। जो मंदिर कहां जा रहा है? चुनाव का समय में मंदिर जाता है और छुन छुन के जाता है। जो मंदिर जाने में बाबर का कोई कंप्लेंट नहीं होगा, राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएगा, इसीलिए वो लोग दल के मारे राम मंदिर नहीं जाते। तो इसीलिए मैं कमलनाथ जी आपको बोलना चाहता हूँ, राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं, ये बात आप मुझसे गारंटी से सुनिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कमलनाथ से बोलना चाहता हूं कि राम मंदिर जो है बीजेपी का है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राम मंदिर कांग्रेस का तो नहीं है। कमाल का था यार, इतना मतलब दिमाग खराब है। और राहुल गांधी के तो मल्टीपल हमने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी स्पीच देने से पहले चेक करवा लेना चाहिए फैक्ट्स को, जिससे लोगों को ना पता चले कि उनको पता नहीं है। मैक्सिमम पॉलिटिशियन तो वही करते हैं, और लोगों के सामने जो भी बोलते हैं वो पहले से लर्न करके आए होते हैं कि लोगों को पता न लगे कि उनकी हालत क्या है। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कोई ऐसा देख तो नहीं रहा कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है। यहाँ पे तो बड़ा जबरदस्त बताया था उन्होंने कि ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़ के आया है। हाँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं वही कोटा है जहाँ पे पैसे से जाया जाता है। मैं तो बोला है कि आपका आपका मिनिस्ट्री भर कोई पॉलिटिशियन या वो किसी के तो आपको ले लेंगे, बहुत पैसा डोनेट किया तो ले लेंगे। इमरान खान का भी तुमने यही सुना था, वो क्रिकेट की वजह से सुन रहे हो गया था। तो ये अकल वकल है नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सिटी वालों को सोचना चाहिए कि तुम अपने अपने कॉलेज को बदनाम कर रहे हो कि इस टाइप के लोगों को ले ले। तो फिर जब तुम्हारे कॉलेज से निकलते हैं और फिर वो जब पब्लिक के सामने जाते हैं और ऐसे मजाक उड़वाते अपना, तो लोग बोलते हैं ये ऑक्सफोर्ड ने तुमको सिखाया है, ये फलाने कॉलेज ने सिखाया है। पर बंदे को कैलकुलेशन सिंपल नहीं आ रही थी, उसने उस कैलकुलेशन को पहले मेरे ख्याल से 10 पैसे बोले थे कि 10 रुपए बोले, मतलब सब गफला किया है। सिंपल कैलकुल मेरे तो समझ नहीं आया, बोल क्या रहा है ये बंदा। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतनी जरा सी बात थी वो घर में कैलकुलेशन कर, उसको ना उसको किसी चीज की भी नॉलेज नहीं, उसके पास ना जनरल नॉलेज है, ना उसके पास हिंदी की नॉलेज है, ना उसके पास मैथ की नॉलेज है, पर आके भाषण जरूर देने हैं और टकराना किससे? मोदी जी से। भैया तुम अपना देख के देखो, अगर तुम्हें नहीं आता तो भी कोई चालू पॉलिटिशियन जो है प्रिपेयर करके आएगा। और बहन कौन वो जो है वो भी महान, वो भी भगवान ने 13 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, वनवास को भी वनवास शायद बोल रही है, उसको यही नहीं पता। और किसी ने इतना अच्छा ट्रोल किया कि भैया 13 दिन नहीं था, 14 था, वो 1 साल जो तूने खाया ना, वो 1 साल वो ढूंढ रहे थे तुम लोगों का दिमाग। मैं वो नहीं कहता, क्योंकि मतलब जिस चीज को ढूंढे वो भी नहीं बकवास चीज है कि कौन वेस्ट करेगा, मिली भी नहीं होगी उनको, ढूंढना है नहीं उसको, नहीं मिल सकते फालतू फालतू चीजों को कौन ढूंढता है। वो भी मजाक कर रहे थे, कमाल था यार, दोनों ही एक जैसे हैं।
वो प्रियंका गांधी कम आती है ना पब्लिक में, अब आ रही है तो उसका भी पता चल रहा है, राहुल गांधी का पहले पता चल गया था हमें। मजेदार है। चलो भैया अभी शेखर ना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।